नमस्कार साथियों स्टडी आई पर आप सभी का स्वागत है उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी हम डिस्कस कर रहे थे यूपी एग्जाम के अंदर जो आपका प्रीलिम्स होता है उसके अंदर सी सेट का सेक्शन जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैथ्स में पूछे गए सवाल और रीजनिंग में पूछे गए सवाल इस सीरीज का आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना सेट नंबर फोर इससे पहले हमने तीन सेट को डिस्कस कर लिया है पेपर डिस्कस करने का सीक्वेंस आपको बता देता हूं पहले जो रिसेंट के अंदर एग्जाम हुई थी उनको डिस्कस किया उसके बाद बैक साइड में जाते जाओगे इधर से सेट्स का नंबर आपका इंक्रीज होता जाएगा इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर वासु स्टडी आई क्यू नाम से जो अपना टेलीग्राम का चैनल है वहां पर मिल जाती है इसके अलावा इसके भी अलावा आपके पास अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी एग्जाम चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे आपका जुडिशरी हो या यूपी का आपका एसएससी हो एसआई SI का एग्जाम हो आर ओ एर का एग्जाम हो टेट का हो या यूपी जीके का से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है या फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना स्टडी <coughs> आई तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें studyiq.com पर विजिट करके इसके अलावा प्ले स्टोर पर जाकर के studyiq ऐप इंस्टॉल करके भी मेरा खुद का भी मैथ्स का कोर्स आता है इन एग्जाम के लिए तरीका वही है ज्वाइन करने का studyiq.com पर विजिट कर सकते हैं studyiq ऐप पर विजिट कर सकते हैं चलिए अभी आज का सेशन आपके सामने आपके सामने आज का पहला और बेहतरीन सवाल देखना भाई देखो इसने क्या कहा कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग तीन आपके पास प्राइम नंबर है जिनका सम आपके पास हंड्रेड है यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से ट्वेंटी फोर ज्यादा है तो उनमें से दूसरी संख्या है सारा का सारा ये जो सवाल है आपका कंप्लीट कॉमन सेंस पर बेस्ड है वैसे तो कोई बच्चा सोचेगा कि सर ऐसे कैसे पता लग जाएगा कि कौन कौन से नंबर है प्राइम नंबर के अंदर तो आपके पास कोई सिक्वेंस भी नहीं होता है सारा खेल कॉमन सेंस का है बात को समझना एक बात बताओ आपने सो बनाया क्या आप तीन ओड नंबर को ऐड करके तीन विषम संख्याओं को आपस में ऐड करके हंड्रेड बना सकते हो तो आपका जवाब होगा नहीं रीजन क्या है देखना जब आप एक विषम संख्या आप एक ओड नंबर में जब दूसरा ओड नंबर ऐड करते हैं तो आपके पास इवन नंबर बनता है डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करते हैं जैसे आपने तीन के अंदर पांच ऐड किया तो आपके पास क्या बना आठ बना अब इसके अंदर एक बार और फिर से आप अगर ओड नंबर ऐड कर देंगे तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा आपका ओड नंबर ही होगा जैसे इसमें मैं ऐड कर देता हूं सात तो आठ प्लस सात मेरे पास क्या आ गया पंद्रह तो यहां से सीधे सीधे बात एक समझ में आती है कि भाई अगर आप तीन ओड नंबर को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा ही ओड नंबर मेंटेन होगा अगर आप तीन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उन तीनों का योग विषम संख्या होगा यहां से एक बात तो क्लियर हो गई है क्योंकि आपके जो लगभग नंबर है प्राइम नंबर कौन से होते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका दो एकमात्र इवन नंबर भी है इसके बाद आपके प्राइम नंबर हो जाते हैं तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह एटसेट्रा दो को छोड़कर के सारे के सारे जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो आपके ओड या फिर विषम होते हैं अगर मैं इस दो का सहारा ना लू अगर मैं इस दो का सहारा ना लू बचे हुए में से अगर मैं तीन कोई भी तीन प्राइम नंबर उठा करके एड करूंगा तीनों का सम ओड निकल के आएगा विषम संख्या आएगी तो एक बात यहां से यह तय हो गई कि इसने दो को काम में लिया है दो को इसने काम में लिया है तो एक हमारे पास प्राइम नंबर टू हो गया एक मैं मान लेता हूं एक्स फिर इसने क्या कहा उनमें से एक दूसरे से चौबीस अधिक है तो एक आपने एक्स लिया है तो दूसरा आप ले लो एक्स प्लस ट्वेंटी फोर तीन प्राइम नंबर आपने ऐड किए सम आपके पास बन गया वन हंड्रेड यहां से ऐड करोगे तो टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर टू में आपके पास नाइनटी एट टू एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी सेवेंटी फोर एक्स का मान आपके पास क्या आ गया सैंतीस एक प्राइम नंबर हमारा यहां से निकल के आ गया दो एक प्राइम नंबर हमने एक्स माना था जो निकल के आ गया थर्टी सेवन ऑप्शन में तो नहीं है तो फिर बचा हुआ पार्ट कौन सा है ये वाला आप थर्टी सेवन में ट्वेंटी फोर को ऐड कर दोगे तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा सिक्सटी वन तो इसका मतलब तीसरा जो प्राइम नंबर था यहां पर वो हमारा था सिक्सटी वन सारा का सारा खेल यहां पर आपका कॉमन सेंस का था आप कॉमन सेंस लगाते तुरंत के तुरंत कंक्लूजन निकल जाता चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं देखना एक और मजेदार सवाल एक बार ध्यान से सवाल को देख लो और इसके लगा लेना स्टार डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई 98 कैसे आए अरे भाई दो उधर जाएगा अब इतना भी भयंकर मत करो यार इस लेवल के ऊपर भी ये दो इधर आएगा तो नाइनटी ही तो बचेगा इतनी तो उम्मीद की जा सकती है ना आपसे कि मास्टर तुरंत के तुरंत बोलता है ये दो उधर जाएगा नाइनटी एट बचेगा चलो खैर फिर भी जो भी डाउट आता है रख दिया करो कोई तनाव वाली बात नहीं देखो आपको डेटा दे रखा है और आपसे क्या पूछा है इसकी जो मीडियन और इसका जो मोड इसकी माध्यिका और इसका जो बहुलक है उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा एक आपके पास होता है एवरेज एक आपके पास होती है मीडियन मीडियन क्या होती है भाई पोजिशनल एवरेज बार 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 आपको बताया जा चुका है स्थिति के हिसाब से जो चीज बीच में आती है वो आपकी मीडियन या फिर माध्यिका होती है स्थिति कौन सी कौन सी कौनसी पोजिशन तो सारे के सारे डेटा को आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम के अंदर उसको अरेंज कर दो सबसे बीच में बैठा हुआ नंबर आपका क्या होगा मीडियन क्या एग्जाम में इस सवाल को हम लोग बिना अरेंजमेंट किए सीधे सीधे डील कर सकते हैं मतलब ही नहीं है हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा नंबर बीच में आएगा तो एग्जामिनर ने ये सवाल आपके सामने इसीलिए दिया है कि सीरीज को आप फिर से लिखें अगर फिर से नहीं लिखोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा और एरर होने के तो पूरे पूरे चांसेस बनते ही हैं। अच्छी बात यह होती है कि ऑफलाइन मोड की एग्जाम्स में आपके सामने ही क्वेश्चन है वहीं का वहीं उठाते जाओ जो जो चीजें आप काम में लोगे उसको कैंसिल आउट करते जाओ तो हम क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को उठाते हैं सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है भाई पच्चीस पच्चीस लिख लिया चलो हट गया इसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है भाई यहां से तीस आपको दिख रहा है तीस लिख लिया इसके बाद और बड़ा नंबर क्या दिख रहा है यहां से देखो थर्टी टू थर्टी टू अगर कोई नंबर चांस बीच में छूट जाए तो बाद में उसको फंसा सकते हैं उसके बाद आपको दिख रहा है एक थर्टी थ्री है एक आपका और थर्टी थ्री है दो बार तेतीस और तेतीस इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो बीच में एक ट्वेंटी नाइन छूट गया ना तो इसका मतलब ट्वेंटी नाइन को यहां फंसा देते हैं कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है और आगे बढ़ोगे तो इस डेटा में से देखो क्या बचा आपके पास 42, 42, 42 तीन बार आपके पास 42, 42 एंड 42 मेंटेन है 42 के बाद कोई डेटा आए, आता हुआ आपको दिख रहा है यहां पर 42 के बाद आपको दिखा कि भाई 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48 लिखा इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा फिफ्टी वन फिर 53, फिर 60, 65 और 72. तो इसके बाद मैंने लिख दिया 51, उसके बाद लिख दिया 53, उसके बाद हमने लिख दिया यहां पर 60, उसके बाद हम लिखेंगे 65 और 65 और और उसके बाद लिखेंगे 72. एक नंबर और रह गया भाई बीच में 54. फोर इसको और इसको तो लिख दिया तो ये आपका एक तरीका होता है कि बीच में बाई चांस नंबर छूट भी जाए एक नॉर्मल सी बात है ये नॉर्मल एरर हो सकती है इस टाइप की लिखना आपको पड़ेगा ये असेंडिंग ऑर्डर में कुल मिलाकर के हमारे पास नंबर कितने थे भाई चार और एक पांच फिर चार और एक पांच 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 दस पांच पंद्रह फिर आपके पास तीन दो पांच और एक छह इक्कीस नंबर है क्या फिर से काउंट कर लेते हैं थ्री टू फाइव पांच पांच दस फिर पांच तीन पंद्रह और पांच चार बीस बीस नंबर है तो दस को छोड़ दो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नो दस दस नंबर को आप इधर छोड़ोगे इसके बाद वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक नंबर हमने भाई मिस कर दिया किसी बच्चे के पकड़ में आ रहा है क्या ये देखो फिफ्टी टू यहां पर फिर छोड़ दिया तो दस नंबर आपके इधर रह गए आपकी जो मीडियन होगी मीडियन क्या कहलाती है भाई पोजिशनल एवरेज अब देखो यहां पर किसी भी टाइप के मैं आलतू फालतू हवाबाजी तो कर नहीं रहा हूं अगर ऐसा सवाल आता है इसको सोल्व करने का यही तरीका है क्योंकि बिना देखे इसको सारे डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं और तुरंत देख करके दुनिया में कोई भी नहीं है जो ये बता दे इसकी मीडियन ये होगी रीजन मीडियन आपका पोजिशनल एवरेज होता है हा मोड जरूर आप बता सकते हो कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो आपका मोड होता है लेकिन मीडियन को तो डायरेक्ट नहीं बता सकते तो अरेंज आपको करना ही पड़ेगा पॉइंट किसके बीच आया 45 और 46 इन दोनों के जस्ट बीच का नंबर 45.5 लिखा जा सकता है चलो ये हमने डील करके निकाल लिया अपना मीडियन या फिर माध्य का चलो मोड क्या होता है एक शब्द आपको बताया था कि बहुलक क्या होगा जिसका लक सबसे ज्यादा होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है एक ही नंबर है जो हमने तीन बार लिखा है तो ये हमारे पास क्या हो गया यहां से मोड मोड को आप डेटा देख करके फिर भी निकाल सकते हैं लेकिन मीडिया media, मीडियन को बिना अरेंज किए नहीं निकाला जा सकता इन दोनों के बीच का डिफरेंस मोड हमारे पास 42 और मीडियन हमारे पास 45.5 दोनों का डिफरेंस अगर लोगे तो रिजल्ट कितना दे देगा 3.5 बिल्कुल भाई कैलकुलेटिव नेचर का सवाल था और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कई सारे स्टूडेंट का यहां पर रिप्लाई आ गया चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना अगले सवाल के अंदर आपसे इसने क्या कहा कि यदि दस कमीजों का क्रय मूल्य टेन आपके पास शर्ट्स हैं इनकी कॉस्ट प्राइस जो है दस कमीजों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ऑफ टेन शर्ट्स बराबर किसके है आठ कमीजों के विक्रय मूल्य एट शर्ट्स की सेलिंग प्राइस के बराबर तो आपने कहा कि नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है ये क्वेश्चन आपके एकदम इजी कैटेगरी के, के होते हैं इसमें एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना क्या लिखोगे टेन शर्ट का कोस्ट प्राइस दस कमीज का क्रय मूल्य बराबर किसके हैं आठ कमीज का विक्रय मूल्य आठ का एसपी तो बेटर क्या रहेगा प्रॉफिट या लॉस निकालना है नीचे प्रॉफिट या लॉस दे रखा है तो सीपी अपोन में एस का रेशियो ले लो एस नीचे चला गया आठ है दस नीचे आ जाएगा एट बाई को सोल्व करोगे तो फोर बाई यहां से क्या बात समझ में आई यहां से ये बात समझ में आई कि जो सामान चार रुपए में खरीदा गया था उसे पांच में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ है दिख रहा है एक रुपए का प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ एक रुपए का प्रॉफिट सीपी चार परसेंटेज में बदलना है गुणा सो तो रिजल्ट कितना दे देगा ट्वेंटी फाइव परसेंट काफी ज्यादा आसान सवाल था ये वाला इसमें कोई तनाव वाली बात नहीं थी हाँ पीछे वाले जो दो सवाल थे उनमें बिल्कुल स्ट्रेस पैदा हो रहा था चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं क्वेश्चन को एटलीस्ट आप एक बार के लिए रीड कर लो बहुत ही बेहतरीन सवाल है काफी शानदार ये आपका सवाल रहने वाला है किसी को आ, डाउट थोड़ी ना आया है किसी को भी डाउट नहीं आया है चलो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं एक तो मेथड है आपका भी इससे आप ट्रेडिशनल मेथड से डील कर दो कि टेंथ के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपकी चलती रहती हैं तो उस मेथड से आप इसको डील कर सकते हैं दूसरा आप इसे डील कर सकते हैं भाई कॉमन सेंस लगा करके अब कॉमन सेंस थोड़ा सा मैं डेवलप करने का यहां पर प्रयास करता हूं देखना असल में जो फैक्टर है गुणनखंड जो है इसका मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा समझो जैसे मैं लिखता हूं एक्स माइनस टू इन टू में एक्स माइनस फोर ये जो बात है इसे सोल्व करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस का एट तो एक आपके पास क्या है ये इक्वेशन है ये आपके पास क्या है इक्वेशन इक्वेशन है समीकरण आपके पास इसी को आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये आपकी क्या होती है फैक्टर फॉर्म और ज्यादा आसान भाषा में समझो जैसे थ्री इन टू में फाइव क्या होता है 15. 15 एक नंबर है और तीन गुणा में 5 करके लिखा तो इसका मतलब आपने इसको फैक्टर फॉर्म में करके लिख दिया इसको एक से भी गुणा करके और लिखा जा सकता था तो यह हो गई एक छोटी सी बात ठीक है जब भी कभी आपके पास फैक्टर होते हैं फैक्टर से क्या निकाले जाते हैं रूट आपके पास अगर गुणनखंड है तो वहां से आप मूल निकाल सकते हैं जिनको जीरो भी कहा जाता है रूट भी कहा जाता है शून्य भी कहा जाता है निकालने का तरीका क्या होता है भाई सिंपल सा निकालने का तरीका क्या है जो भी आपके पास फैक्टर है x माइनस दो उसके बराबर जीरो रख दो तो x का मान दो आ जाएगा इसके इक्वल में x माइनस चार जीरो रखोगे x का मान क्या आ जाएगा चार तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई अगर आपके पास फैक्टर हैं तो फैक्टर का यूज करके आप रूट निकाल सकते हैं चलो फिर फायदा क्या होगा फायदा यह होगा कि रूट जो होता है आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कैसे एक्स की वैल्यू दो जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी कैसे दो की वैल्यू रख दो एक्स की जगह चार माइनस बारह प्लस साठ जीरो बनना चाहिए बन रहा है क्या आठ और चार बारह में से बारह ऐसे ही इसका एक रूट निकाला आपने कितना चार चार वैल्यू अगर इसमें रखोगे फोर रखोगे तो सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर प्लस एट क्या ये जीरो बनेगा देखो ये भी जीरो बन रहा है तो अगर आपके पास इतना नॉलेज है कि क्या तो फैक्टर होता है कैसे आपके रूट निकाले जाते हैं रूट का क्या लॉजिक रहता है रूट कैसे बिहेव करता है तो इसका मतलब आपका कॉमन सेंस डेवलप है आपको मैथ्स आए या ना आए आप कॉमन सेंस लगा करके डील कर सकते हैं जैसे इसने क्या कहा था कि इसका एक रूट जो है वो एक्स माइनस दो है एक्स माइनस दो को अगर आप जीरो रखोगे तो एक्स बराबर दो इसका क्या बनेगा रूट बनेगा रूट या मूल अगर आप इसको इस जगह के ऊपर रखोगे अगर आप इसको उठा करके यहां पर रखोगे तो ये इसको जस्टिफाई करेगा इस पूरे को जीरो कर देगा क्रॉस चेक करवा देता हूं एक बार दो का क्यूब करोगे आठ चार गुणा चार सोलह तीन गुणा में दो छह माइनस का अठारह ये बना भाई ट्वेंटी फोर ये भी बना ट्वेंटी फोर बन गया जीरो तो ये आपके पास यहां पर लॉजिक काम करता है तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ट्रेडिशनल मेथड नहीं आता तो फिर हम लोग कैसे सोल्व करें ऑप्शन है आपके पास जिंदाबाद तरीका ऑप्शन में थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो ऑप्शन में जैसे सबसे आसान तरीका क्या है कौन से वाले पार्ट को चेक कर ले इसको उठा करके चेक कर ले एक्स प्लस वन को जीरो रखोगे एक्स प्लस वन बराबर जीरो तो एक्स की वैल्यू माइनस एक आएगी आएगी माइनस एक को आप इस इक्वेशन में रखोगे तो देखना माइनस वन का क्यूब माइनस वन फिर आगे चार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन माइनस का अठारह क्या ये आपका जीरो बना तो आप कहोगे सर जीरो नहीं बन रहा है माइनस उन्नीस प्लस का साथ जीरो नहीं बन रहा है इसका मतलब इसका फैक्टर इसका जो फैक्टर है एक्स प्लस वन नहीं हो सकता ऑप्शन डी हटा एक्स प्लस वन इस ऑप्शन में भी है इस ऑप्शन को भी साइड में कर दो हट गया तो एक आपने जो आसान बात थी उसको सोल्व किया देखो मैं उन चीजों को लेकर के डील कर रहा हूं मैं ऐसी कोई भी फालतू बात नहीं कर रहा हूं कि अलजेब्रा में ऐसा पढ़ा जाता है अलजेब्रा में ये किया जाता है उसको पढ़ लेना मुझे भी पता आपके पास इतना टाइम तो नहीं रहता होगा कि अलजेब्रा जैसे चैप्टर को डील करने के लिए पोलिनोमियल जैसे चैप्टर को डील करने के लिए आप पंद्रह बीस घंटे देंगे इतना टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम कॉमन सेंस तो डेवलप कर सकते हैं तो वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपने सबसे आसान ऑप्शन को ट्राई किया और यहां एलिमिनेट कर दिया क्या हम लोग x प्लस थ्री को चेक करेंगे क्यों करेंगे एक्स प्लस थ्री तो दोनों में ही है अगर मान लो ये जस्टिफाई कर भी जाएगा करेगा ही जायज सी बात है दोनों ही ऑप्शन में तो फायदा क्या होगा आप सिर्फ चेक करके देखो x प्लस टू को अगर आप x प्लस टू को यहां से चेक करोगे तो x की वैल्यू माइनस दो आएगी माइनस दो इसमें रखोगे तो माइनस का आठ प्लस प्लस चार चार सोलह तीन दो छ माइनस अट्ठारह सोलह और छ कितना हो गया बाईस में से चौबीस क्या आपका जीरो बना नहीं बना नहीं बना तो ये ऑप्शन भी आपका हट गया इसका मतलब बचे हुए दो फैक्टर आपके क्या होंगे एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री उम्मीद है ये तरीका आपको समझ आ गया होगा मेथड इंपोर्टेंट है ट्रेडिशनल मेथड के तरीके से आप डील करते तो भाई एक ही मैथड बस एक्स माइनस टू का उसमें कर दो डिवीजन और आगे जो एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर पैटर्न बनेगा उसको ब्रेक करोगे उसकी वजह से रिजल्ट आएगा बाकी कॉमन सेंस से आपका काम धूमधाम से चल जाएगा तो अनवांटेड स्ट्रेस लेने की नीड भी नहीं है एक एलिमिनेशन थ्योरी का यूज यहां पर हो रहा है चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कमेंट्स आपके क्या आ रहे हैं भाई चलो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं चल देखना भाई क्या कहा एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई लेंथ आपको दे रखी है 17 और इसकी चौड़ाई असल में देखा जाए तो इसकी लंबाई चौड़ाई जैसा कोई सीन नहीं होता है दो टाइप की साइड होती है एक आपकी लेंथ ए मान सकते हो दूसरी बी लेकिन फिर भी दिया जा सकता है फिर इसका एक डायगनल आपको दिया गया तो दूसरे विकर्ण की लंबाई किसी भी किसी भी के अंदर ये साइड आपकी ए ये बी और ये आमने सामने की इक्वल तो होती हैं और आपस में पैरेलल भी होती हैं। एक रिलेशन है छोटा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिलेशन क्या है भाई ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी बराबर लिखा जाएगा डायगेल वन का स्क्वायर प्लस डायगनल टू का स्क्वायर तो यहां से आपको ये बात अप्लाई करनी थी ट्वाइस ऑफ दो गुणा में सत्रह का स्क्वायर सत्रह का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा टू एट्टी नाइन प्लस ग्यारह का स्क्वायर 121 बराबर क्या लिखोगे पहले डायगोनल का स्क्वायर 26 का स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर सिक्स प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला नहीं ध्यान रखेंगे एज इट इज इसी नेचर का फॉर्मूला रोमबस में बनता है उसको भी मैं लिख देता हूं रोमबस या जो सम चतुर्भुज होता है उसके अंदर आपकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं ए और ए अगर आप गौर से देखोगे तो ये भी फॉर्मूला ऐसे बना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो टू टाइम्स प्लस डी टू स्क्वायर यहां पर भी रिजल्ट यही आता है डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर बस क्या करना है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा फोर ए स्क्वायर अगर आपको एक बात भी इसमें से पता है अगर आपको रोमबस वाली बात पता है कि वो कैसे डिजाइन किया है तो पेरलोग्राम के अंदर ऑटोमेटिक आप उसको अप्लाई कर देंगे एक कोई ना कोई एक आपको याद रखना है और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है इसे कर लेते हैं भाई सोरी सो आठ दो दस ग्यारह दो तीन और एक चार बराबर आपके पास सिक्स सेवनटी सिक्स प्लस डायगनल टू का स्क्वायर इसे जब सोल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा आठ सौ दस इसमें से सिक्स सेवनटी सिक्स आप लेस कर दोगे चार बचा आठ तीन ग्यारह हो गया एक मिनट सात आठ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे नौ और एक आपके पास हो गया दस आठ दो दस और एक ग्यारह तीन ठीक है यहां तक कोई समस्या नहीं है यहां पर चार बचा सात और एक आठ ये तीन बच गया एक वन थर्टी फोर कैसे आएगा भाई सॉरी 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 डबल है भाई चार सौ बीस होगा तो ये यह यहां पर बचेगा हमारे पास वन फोर्टी फोर तो डायगनल टू का स्क्वायर आपके पास 144 फोर्टी फोर अंडर उल टू की वैल्यू कितनी आ गई 12 ये बन गया आपका सीधा सीधा रिजल्ट उम्मीद है बात पकड़ में आ गई होगी इस बात को नोट कर लेना भी जहां कहीं भी आप पढ़ते हैं इनको नोट करते हैं चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं काफी आसान सवाल आपके सामने रिप्लाई करोगे 15 सेकंड का टाइम है मेरा एक अनुमान है कि 15 सेकंड में इसको इजीली डील किया जा सकता है बिना किसी स्ट्रेस के देखना क्या कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई बारह हजार रुपए की धनराशि आपका प्रिंसिपल है जो आपने डिपॉजिट किया है ट्वेल्व थाउजेंड पांच साल में डबल हो जाता है बीस साल के बाद ये क्या होगा अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस सवाल को इजी मैनर में कर सकते हैं कैसे देखो बारह हजार रुपए में जीरो नहीं लगा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सिर्फ बारह जीरो बाद में लगा लेना बारह हजार रुपए पांच साल के ड्यूरेशन में डबल हो जाते हैं तो कितने बन जाएंगे भाई चौबीस हजार चलो अगर मैं चौबीस हजार रुपए किसी को उधार दू तो पांच साल बाद ये कितने बन जाएंगे तो आप कहोगे सर कितना भी पैसा उधार दे दो कितना भी पैसा दस रुपए उधार दोगे तो बीस बनेंगे पचास रुपए उधार दोगे तो सौ बनेंगे सौ रुपए उधार दोगे तो दो सौ बनेंगे अगर मैं ट्वेंटी फोर उधार दूं तो कितना बन जाएगा फोर्टी एट चलो अगर मैं फोर्टी एट रुपए उधार देता हूं तो फाइव ईयर में कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर डबल कुछ भी दो डबल अगर मैं यहां पर अगेन नाइनटी सिक्स रुपीज को उधार देता हूं तो पांच साल में कितना बन जाएगा तो आप कहोगे डबल बन जाएगा फाइव ईयर के अंदर यह भी आपका डबल वन नाइनटी टू अगर मैं किसी को बारह रुपए उधार देता हूं पांच साल पांच साल पांच साल पांच साल, पांच साल. कितने साल हो गए भाई बीस साल हो गए साल के अंदर पैसा कितना हो गया आपका 192. तो 12, आपने लिया था तो वो कितना क्या ऐसे करना था ये तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना भाई हमें तो आप सीधे सीधे करते कि भाई हर पांच साल में डबल होता है पांच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल चार बार ये बातें बनेंगी तो आप सीधे सीधे डील करते ना से चौबीस होगा एक बार चौबीस से अड़तालीस होगा दो बार फोर्टी एट से 92 टू होगा तीन बार 92 से आपका जस्ट सॉरी से जस्ट वन नाइनटी टू आपका बन जाएगा तो आपने पांच पांच साल के चार गैप यहां पर यूज किया तो सीधे सीधे आप इसको वर्बली बता सकते थे अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यह मेथड प्रीफर करना पड़ेगा चलिए भाई अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक काफी कम लग रहे हैं तो लाइक जरूर कर दो जल्दी से एक सीरीज का आपके सामने बहुत ही शानदार सा सवाल है सीरीज का बहुत ही शानदार सा सवाल है लाइक बहुत ही कम बच्चों ने किया भाई लाइक तो कर दो सेशन को सीरीज का आपके सामने एक बेहतरीन सवाल अटेम्प्ट करके देखोगे देखना आपको कहा फाइंड आउट दी मिसिंग टर्म फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज सीरीज आपको दे रखी है 355, 19, 7, 41, 9. है। और ये सीरीज आपको गिवन इसमें अगर हम लोग सीधे सीधे रेंडम कोई दिमाग लगाना स्टार्ट करें तो आपने सीरीज को रीड किया भाई तीन है पांच पांच उन्नीस सात इकतालीस नौ एक पैटर्न आपको समझ आ रहा है कि यहां पर देखो तीन से पांच है पांच से सात है सात से नौ है से तो ग्यारह बनेगा लेकिन क्वेश्चन मार्क तो यहां रह गया तो एक तो अपना जो स्ट्रेस है वो कंप्लीटली खत्म हो गया कि बात वो नहीं सीरीज तो पकड़ में आ गई कि थ्री था, फाइव था सेवन था नाइन था प्लस टू प्लस टू हो रहा है अब एक पैटर्न आपके पास ये बना फाइव नाइनटीन फोर्टी वन और फिर क्वेश्चन मार्क ये आपका एक बेहतरीन पैटर्न होता अगर आपने सीरीज की ठीक ठाक भी प्रैक्टिस की है मतलब पचास साठ सवाल कायदे से लगाने स्टार्ट किए हैं कि धीरे धीरे इजी मोडेड मैक्स टू मैक्स पचास सवाल है आपको ये वाला पैटर्न जरूर मिलता है कि एक इस सीक्वेंस में भी सीरीज पूछी जाती है नंबर आपको दे रखा है पांच उसके बाद नंबर है आपके पास नाइनटीन उसके पास बाद नंबर है फोर्टी वन तो इनके बीच ये नंबर अगर आप सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं तो तुरंत के तुरंत बात क्लिक होती है कि फाइव कैसे बना है टू इंटू थ्री माइनस वन से ये बनता है 19 कैसे बनता है दो और तीन तो आई गया फिर चार और पांच का मल्टीप्लाई उससे एक लेस कर दो फोर्टी वन कैसे बनता है पांच तक आ गई सिक्स इंटू सेवन माइनस वन कर दो उसके बाद अगला जब आप बनाओगे तो क्या है सेवन तक आ गया है तो एट इंटू नाइन माइनस वन का पैटर्न फॉलो करोगे तो ये आपके पास रिजल्ट दे देगा सेवनटी वन अगर आपने एक बार भी इस चीज को देख रखा है तो बिल्कुल आप इसको डील कर सकते हैं अदरवाइज आपके लिए ये मामला पेचीदा हो सकता है दूसरा तरीका क्या आप फॉलो कर सकते थे दूसरा तरीका यह होता है कि डिफरेंस पर ट्राई की जा सकती है जैसे 5 से 19 गया तो कितने का इंक्रीज 14 का यहां से यहां तक गया है तो इंक्रीज कितना 22 का अब यहां पर कितने का इंक्रीज करें अब आपके पास दो ही वैल्यू दे रखी है इनको रिलेट करवाने का कोई तरीका तो आप देखोगे तो ये सेवन इंटू टू है लेकिन ये आपके पास कितना है सेवन इंटू थ्री है लेकिन उससे एक ज्यादा भी है तो क्यों ना हम लोग इस बात को ऐसे रीड कर ले सेवन इंटू टू प्लस जीरो है ये सेवन इंटू थ्री प्लस जीरो है तो अगला नंबर सेवन इंटू में फोर प्लस का आपके पास जीरो तो टू तो कितना ऐड कर दोगे भाई तीस ऐड कर दोगे फोर्टी वन में थर्टी ऐड करोगे रिजल्ट आ जाएगा सेवनटी वन बाकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये वाली होती है कि अगर आपने एक बार भी सीरीज के ऊपर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप ये पैटर्न तुरंत के तुरंत पकड़ जाते हैं चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं देखना जरा क्या का अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसको जल्दी से आप अटेम्प्ट करके बता पाओगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा देखना इसने क्या कहा कि दो संख्याओं का एच सी एफ महत्तम समाप्त और एलसीएम लघुतम समाप्तवर्ते क्या है बारह और एक सौ एक नंबर आपके पास अगर थर्टी सिक्स है तो दूसरा क्या होगा ये बहुत इजी सी बात है कि अगर आपके पास सिर्फ दो ही नंबर हैं तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो आपका एच सी एफ इंटू में एलसीएम होता है रेलवे सीरीज में यूट्यूब के ऊपर ही आपको ये चैप्टर पढ़ाया है उसमें ये बात आपको प्रूफ करके भी बताई है ध्यान आपको डायरेक्ट वैसे ही रखनी है तो अब क्वेश्चन आसान हो गया एक नंबर आपके पास कितना है भाई थर्टी सिक्स दूसरा आपके पास सेकेंड नंबर एच सी एफ इसका ट्वेल्व है और ये कितना आपके पास वन फोर्टी फोर इसे अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो छत्तीस गुणा में दो बियालीस छत्तीस गुणा दो बहत्तर बेहतर चार बार कट गया तो सेकंड जो पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी एट ये बन गया अड़तालीस ऐसे कटिंग नहीं कर पा रहे हो बारह से काटो तीन बार तीन का उसमें डिविजन कर दोगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा उम्मीद है बात पकड़ में आ गई होगी ये तो काफी आसान था अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं देखना जरा क्या कहा अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे क्या वर्बली संभव है करना ऐसा बताओगे क्या भाई इसका रिजल्ट क्या होगा और एक आपको यह बात और कहना चाह रहा हूं मैं कि मॉर्निंग टाइम के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पूछे गए क्वेश्चन उसकी भी आज वाली डेट को मिला करके टोटल मिलाकर के पांच सेट हो गए हैं और स्टार्टिंग में जो आपको मैंने कहा था वासु स्टडी आईक्यू इस नाम से अपना टेलीग्राम का चैनल है उस पर पीडीएफ भी मिल जाती है और एक बच, अच्छी बात यह है कि उन पीडीएफ में ही क्लासेस के लिंक रहते हैं जैसे आपने वहां पर पीडीएफ को अपने मोबाइल में ओपन किया और देखा कि यार सेट थ्री के अंदर मुझे ये दो सवाल नहीं समझ आ रहे तो वहीं के वहीं क्लिक करोगे तो सीधे के सीधे उस वीडियो में चले जाओगे भटकने की भी नीड नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर क्या तो टाइप करूंगा कैसे जाकर वीडियो मिलेगा और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आओ और अपना जो डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं चलिए भाई डील करें क्या कहा कि एक सर्कल की रेडियस एक व्रत की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में उसकी जो सरकम है उसमें टेन परसेंट का इंक्रीज या वृद्धि हो जाए व्रत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा आप ऐसा मान सकते हो पहले सरकम थी टू पाई आर वन बाद में सरकम कितनी हो गई टू पाई आर टू इंक्रीज कितने का भाई दस परसेंट का दस परसेंट को सोल्व करोगे टेन अपॉन हंड्रेड वन बाई टेन होता है इसका मतलब क्या होगा अगर पहले आपके पास सरकम दस है तो बाद में एक का यहां पर इंक्रीज हो गया बिफोर में अगर आपके पास टेन रेडियस सरकम फेरेंस है तो बाद में एक का इंक्रीज हो जाएगा तो पहले अगर आपके पास सरकम फेरेंस टू बाई आर वन दस है तो बाद में एक का इंक्रीज होकर ग्यारह हो जाएगा अब जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि जो इंक्रीज आपका रेडियस में होता है जो इंक्रीज आपका रेडियस में होता है वो का वो इंक्रीज आपका सरकम में भी होता है अगर रेडियस के अंदर आप कुछ कमी करोगे तो सेम टू सेम उतने ही परसेंट का इफेक्ट आपको सरकम में भी दिखता है ये वाली बात हमने यहां से प्रूफ करके भी देख ली अब मेरे ख्याल से ये वाली बात भविष्य में आपको सीधे सीधे ध्यान रह जाएगी अब हम अगर सीधे सीधे यहां से बात करें कि एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा तो आसान भाषा में आप समझ सकते हो कि रेडियस को दस परसेंट बढ़ाया रेडियस पहले केस में अगर आपके पास दस है तो दूसरे केस में रेडियस एक बढ़ के ग्यारह हो जाएगी एरिया क्या होता है पाई रेडियस वन का स्क्वायर पाई रेडियस टू का स्क्वायर पाई से पाई कट जाता है दस का स्क्वायर सो हो गया तो से सो से ग्यारह का स्क्वायर एक कितने का इंक्रीज भाई ट्वेंटी का ट्वेंटी वन का इंक्रीज सो पर है तो यही बात आप कह सकते हो परसेंटेज में रिजल्ट आ जाएगा अगर आपने परसेंटेज को थोड़ा सा कायदे से पढ़ रखा है तो ऐसे केसेस में इनका समाधान इतना ही है 10 प्लस 10 प्लस 10 में डिवाइड अगर पढ़ रखा है तो ठीक है नहीं पढ़ रखा है तो मैं पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप ये ये काम अगर ध्यान रख ले जाएंगे तो बिना फॉर्मुले या बिना किसी हेडेक के कि आप इनको इजी मैनर में डील कर सकते हैं चलिए भाई सवाल नंबर तेरह अपना थर्टीन नंबर क्वेश्चन में देखना जल्दी से आप मुझे इसका रिप्लाई करके बता दो भाई सेशन को लाइक कैसे नहीं कर रहे हो भाई सेशन को लाइक तो किया करो डेली बेसिस के ऊपर आपके सामने बहुत शानदार सीरीज रहती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की टाइमिंग भाई रहती है सुबह आठ बजे ए एम पर बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लगभग हमने पांच सेट आज तक डिस्कस कर लिया आज मॉर्निंग के अंदर पांच हो गए थे और टेन पी पर आपकी ये वाली जो यूपी पी की सीरीज चल रही है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम दूसरे स्टेट को लेंगे देखना विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है आखिर से उसका क्रम क्या है ये जो सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं करना क्या है भाई एक नंबर से स्टार्ट करोगे विकास का नंबर है अठारवा तो विकास से पहले इधर कितने बच्चे सत्रह बच्चे एक खुद विकास और क्लासरूम में कुल मिलाकर के कितने बच्चे हैं भाई फोर्टी नाइन तो अगर मैं विकास से पहले देखूं तो मेरे पास सत्रह स्टूडेंट है विकास अठारवे नंबर पर है तो विकास को इंक्लूड करें तो ऊपर तक टोटल मिलाकर के सेवनटीन और वन एटीन स्टूडेंट है नीचे यहां पर कितने बच्चे हैं तो 18 को इसमें से आप लेस करोगे तो आप पाओगे कि नीचे की तरफ आपके पास 31 वन स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है अब आपसे इसने क्या पूछा है आखिर से उसका क्रम अब इस साइड से आप डील कर दो भाई विकास यहां बैठा हुआ है सिक्वेंस को छोड़ो विकास से पहले यहां पर इकतीस बच्चे बैठे हुए हैं तो विकास का अब नंबर कौन सा है बत्तीसवा नंबर तो रिजल्ट आ गया आपका थर्टी सेकेंड उम्मीद है बात पकड़ में आ गई होगी ठीक है इसको तो इजी मैनर में आप डील कर ले जाते होंगे चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं देखना क्या का एक डायरेक्शन का सवाल मजा नहीं आ रहा भाई पढ़ाई के अंदर कब से मजा आने लग गया आपको <coughs> जीवन में मजा बेरोजगारी में आ रहा है क्या फिर अगर आपको पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको बेरोजगारी के अंदर मजा आने लग गया है और ये जो हर रोज आपको दो जीबी डेटा मिलता है इसके साथ भी विडंबना ये है कि आपको बेरोजगारी का ये एहसास भी नहीं होने देता है खैर सदबुद्धि आती है सभी को आती है बस जल्दी आ जाए मेरी प्रार्थना भगवान से ये है कि मुझसे जुड़े हुए हर स्टूडेंट को जल्दी सदबुद्धि मिल जाए वरना मेहनत वगैरह नहीं करोगे तो फिर कुछ शायर बन जाते हैं और एक मशहूर ऐसा ही शायर था कि उसने भी कहा था कि अपनी मोहब्बत का इतना तो सिला दे कभी घर बुलाकर एक कप चाय ही पिला दे तो कहीं ये चाय वाले जो हैं ये ख्वाब के ख्वाब ना रह जाएं देखो रतन जो है वो पवन से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट के अंदर है यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट के अंदर है तो ललन रतन के किस दिशा के अंदर है सिंपल लॉजिक है भाई डायरेक्शन के अंदर क्या करते हो ये नॉर्थ है ये साउथ है ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है ज्योग्राफी में भी ऐसा ही होता है ऐसे ही रीजनिंग में पढ़ाया जाता है चलो भाई यहां से सीधे सीधे अगर मार्किंग करते हैं तो देखना कौन कहां बैठा हुआ है मार्किंग करते हैं क्ल करके रतन जो है वो पवन के पवन को बैठा हो यहां पर ये आपके पास है साउथ ये आपके पास नॉर्थ ये आपके पास वेस्ट एंड ये आपके पास ईस्ट रतन जो है रतन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट के अंदर 40 मीटर एकदम 45 डिग्री के ऊपर बैठा दो। तो। ये 40 मीटर हो गया यहां पर बैठा हुआ है रतन अब इसने क्या कहा ललन जो है वो पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है ललन जो है वो पवन के 40 मीटर साउथ ईस्ट के अंदर तो 45 डिग्री का एंगल लो और यहां पर किसको बैठा दो भाई ललन को यह भी कितना आ गया चालीस मीटर अब आपसे क्या पूछ रहा है ललन जो है रतन के किस दिशा में है रतन के लिए अगर सीधे सीधे वैसे तो दिख रहा है रतन के इस तरफ ईस्ट है नहीं पकड़ में आ रहा है तो फिर से ड्रॉ कर दो एक लाइन ये आपका हो गया नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट तो ललन किस तरफ आ गया इसके ईस्ट साइड के अंदर तो ईस्ट आपका यह हो गया ऑप्शन नंबर फोर उम्मीद है बात पकड़ में आ गई होगी ये तो सबसे आसान पार्ट होता है रीजनिंग का सबसे नकली एक ये जो आपका कंपेरिजन होता है इसको देखना इसका आंसर तो बता दो कम से कम जल्दी से जल्दी इसका तो रिजल्ट आ जाएगा बहुत आसान सवाल पूछा गया है देखो ए जो है वो बी से अमीर है ए जो है वो बी से अमीर है सी जो है वो ए से अमीर है सी क्या है ए से भी अमीर है डी सी से अमीर है डी जो है वो आपका सी से भी अमीर है ई e सबसे ज्यादा अमीर है तो इससे भी ज्यादा अमीर कौन है ई e हो गया फिर आपने इस क्वेश्चन में क्या कहा अगर सभी को अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान बीच में होगा तो सबसे बीच में आपके पास मेंटेन है सी एकदम नकली सवाल आज की सीरीज का ठीक है तो उम्मीद है कुछ कुछ फील आया होगा आपको तो दो मिनट में आपके डाउट्स जितने भी आपके डाउट्स सीरीज के रिगार्डिंग या और किसी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अभी आपके डाउट देख लेता हूं एक छोटी सी बात को अंडरस्टैंड करना भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी बैंकिंग सीडीएस रेलवे इन एग्जाम्स की तो अभी के लिए सारी की सारी जो मेरी सीरीज है वो स्टडी आई क्यू एप या स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जो वेबसाइट है उसके ऊपर चल रही है ऑलरेडी मैंने मैथ्स के अंदर 200 में से 200 स्कोर किया है और 200 से के आसपास जो स्कोर है इससे पहले भी मैंने कई बार किया है 2018 के अंदर मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मुझे एक आइडिया है कि इस एग्जाम के अंदर जो सीजीएल होता है सी होता है कि बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट है काफी ज्यादा पढ़ते हैं हाई के चक्कर में लगे रहते हैं कुछ कलाकार बच्चे हैं वो जेन्यन कंटेंट तक ही नहीं पहुंच पाते तो जो जैसा मिला जिसने जैसा गाइड कर दिया उस हिसाब से चलते रहते हैं तो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो मैंने अच्छे तरीके से भली भांति तय करके देख लिया है और मेरे लेक्चर सारे के सारे स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग अभी के लिए हमारी जो स्टेट पीएससी की सीरीज है वो लगभग आने वाले तीन से चार महीने यूट्यूब के ऊपर लगातार चलेगी मॉर्निंग और नाइट के अंदर इसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम चाहे वो पीएससी हो जुडिशरी हो एसएससी हो एसआई SI हो आरओ एआरओ का एग्जाम हो टेट का हो या जीके हो तो इसके लिए भी आपके पास वही दो तरीके हैं या तो स्टडी आई क्यू एप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें या फिर आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर विजिट करें दोनों ही टाइप के कोर्सेज रहते हैं यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे पेड है नहीं भाई बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी हैं बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज भी हैं और स्टडी आईक्यू अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है अब बात कर लेते हैं जो अपना सेशन चल रहा है आज हमने डिस्कस किया अपना सेट नंबर इसकी पीडीएफ स्टडी नाम से जो टेलीग्राम है वहां मिल जाएगी पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलती है जैसे ही सात आठ सेशन होते हैं सभी की पीडीएफ कंपाइल करके वैसे भी मैं आपको देते हुए जा रहा हूं तो एक भली बात तो यह है सात आठन सेशन हो जाए तुरंत के तुरंत पीडीएफ की प्रिंट आउट निकलवा लो उन क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देख तुरंक लो कि जो हमने यहां पर सीखा है क्या सच में वो चीजें कॉमन सेंस में चली गई हैं एसएससी में पढ़ाने का बिल्कुल तरीका अलग होता है रीजन क्या है उन बच्चों ने मैथ्स के ऊपर खूब सारी मेहनत कर रखी होती है आपके पास बहुत सारा वाइड पार्ट है जो आपको पढ़ना होता है तो इतना टाइम तो नहीं होता सी सेट के सेक्शन के लिए इसलिए मैं हर सवाल में प्रयास करता हूं कि कैसे भी करके कॉमन सेंस से हम लोग उन चीजों को सुलझा लें और एटलीस्ट आपका एग्जाम में सवाल ना छूटे क्लियर भाई आपके डाउट देख लेता हूं मैं आ बोर्ड ब्लैक नहीं होगा अभी ब्लैक में कुछ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं इसके अलावा और कोई डाउट तो नहीं है आपका चलिए भाई मॉर्निंग के अंदर मिलते हैं मॉर्निंग के अंदर 8 एम पर डेली अपनी सीरीज रहती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बिहार में जो मैथ्स का सेक्शन आता है उसका लेवल यूपीपीएससी के कंपैरिजन में काफी हाई रहता है सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना और इन सेशंस को शेयर किया करो इन सेशंस को नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो आपके पास ये होती है पी इनको भी शेयर कर सकते हैं कोर्स की फीस क्या चल रही है कोर्स की फीस चल रही है अभी सत्रह या अठारह होगा मतलब आप कस्टमर केयर के ऊपर के जो हेल्पलाइन है वहां पर कॉल करके देख लीजिएगा 1800 के आसपास है दो साल की आपको वैलिडिटी मिलती है चलिए भाई आपका दिनदास सब मंगलमय हो मिलते हैं अगले सेशन में जय हिंद जय भारत